अंकिता कोनवर ने की थी मिलन सोमन से शादी आज से 3 साल पहले, और उनकी शादी जो थी काफी ज्यादा चर्चाओं में बन गई थी बिकॉज ऑफ द एज गैप दैट वाज बिटवीन मिलन एंड अंकिता। इन दोनों के बीच में 26 साल का एज गैप है, यानी कि मिलन काफी बड़े हैं अंकिता से, और उस समय पर इनको काफी ट्रोल भी किया गया था फॉर द एज गैप बिटवीन देम। लेकिन अंकिता से भी हाल ही में जब पूछा गया कि वो इस एज गैप को किस तरीके से देखती हैं, और उनसे फैमिली प्लानिंग पर जब पूछे गए सवाल, तो उनका क्या जवाब था, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। दरअसल एज गैप जो है वो अब काफी नॉर्मलाइज होता जा रहा है शो बिजनेस इंडस्ट्री में, बिकॉज यू नो एज इज जस्ट अ नंबर बोला जाता है। प्यार में ये सारी चीजें नहीं देखी जाती है, एवरीथिंग इज बीइंग नॉर्मलाइज्ड एज फार एज लव इज कंसर्न्ड। और अंकिता और मिलन सोमन का भी रिश्ता कुछ ऐसा ही था, जहां पर प्यार को नॉर्मलाइज करते हुए, प्यार को जो है तवज्जो देते हुए एज को भी नॉर्मलाइज किया गया था। बता दें कि अंकिता 29 ईयर्स की है, जबकि मिलन सोमन है पूरे 55 ईयर्स ओल्ड, जिसके बाद उनके बीच में है 26 का एज गैप, जिसको लेकर अंकिता का कहना है कि कभी भी सोसाइटी में कुछ भी अलग होता है तो ऑब्वियसली यू आर क्रिटिसाइज्ड। इट इज नॉट जस्ट वी या फिर हमारा एज गैप, इट इज एंड इट इज द सेम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। जहां पर भी दुनिया में कुछ ऐसा होगा जो एक नॉर्म नहीं है या जो सालों से नहीं होता हुआ आ रहा है, तो आपको लगता है कि ये कैसे हो रहा है, लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, बट देन धीरे धीरे चीजें नॉर्मलाइज होती जाती है, तो सारी चीजें जो है भुलाई चली जाती है कि ये भी हुआ था, या वी बिकम द ट्रेंड सेटर्स एट टाइम्स। तो अंकिता ने साफ बोल दिया कि उनको इस एज गैप से कोई भी मतलब नहीं है, शी डजंट गेट बॉदर्ड अबाउट इट, बट शी इज रियली वेरी हैप्पी विद मिलन सोमन। वहीं उनकी फैमिली प्लानिंग पे उनसे जब सवाल पूछा गया कि आपकी फैमिली प्लानिंग कब होने वाली है, तो उन्होंने कहा दैट वी आर ऑलरेडी अ प्लान्ड फैमिली, जब दो लोग साथ में आते हैं दे बिकम अ फैमिली, सो आई डोंट हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। एंड शी वेंट ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई अंकिता ने कई सारे सवालों का दिया है जवाब, जिनको लेकर आपको क्या कहना है जल्दी से लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं इसी तरीके से लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे।